शालीन भनोट का शो है खतरे में, जल्दी हो सकता है बंद। जी हाँ, अगर जल्दी मेकर्स ने नहीं किया कुछ बड़ा तो शालीन भनोट का शो बेकाबू हो सकता है बंद। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली न्यूज़ में। तो शालीन भनोट जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बन गए बिग बॉस के बाद, उनका शो भी शुरू हुआ बेकाबू। जी हाँ, एकता कपूर ने बिग बॉस के घर के अंदर ही इन्हें फाइनल कर लिया था अपने शो बेकाबू के लिए। और जब बेकाबू की शुरुआत हुई तो बहुत ही धमाकेदार शुरुआत हुई, टीआरपी में भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लीड किया था। शालीन भनोट की एक्टिंग के फैंस दीवाने हो रहे हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि जल्दी ये शो बंद भी हो सकता है। असल में हम बात करें टीआरपी की, तो हर हफ्ते बेकाबू की टीआरपी उठनी तो छोड़िए गिरने के कदार पे आ रही है। जी हाँ, पहले हफ्ते टीआरपी काफ़ी अच्छी आई, लेकिन उसके बाद टीआरपी गिरना शुरू हुई और ये 1.0 पे जाके रुक गई थी। लेकिन अब बात करें इस हफ्ते की टीआरपी की, तो इस हफ्ते टीआरपी और ही ज़्यादा गिर गई है, 0.9 टीआरपी आई है इस हफ्ते। और अगर ऐसा ही चलता रहा, टीआरपी गिरती रही, तो कलर्स को ना चाहते हुए भी शो बंद करना पड़ेगा। जी हाँ, जहाँ एक तरफ शालीन भनोट और ईशा सिंह के एक्टिंग के दीवाने हुए हैं फैंस, वहीं दूसरी ओर ये गिरती टीआरपी देख के कलर्स को कोई बड़ा कदम ना उठाना पड़े। जल्द ही मेकर्स को कुछ ना कुछ करना होगा टीआरपी उठाने के लिए, वरना फिर शालीन भनोट के फैंस के लिए आ सकती है एक बैड न्यूज़। आपको कैसे लगते हैं शालीन भनोट और उनका शो बेकाबू, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।